वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति किसी तरह अस्पताल के चौखट तक पहुंच जाए लेकिन उसकी सुध लेने वाला वहां कोई ना हो? मानवता क्या प्राइवेट अस्पतालों की चौखट पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही है? एक ऐसा ही वाक्य आज यूपी के मेरठ स्थित यशलोक अस्पताल के बाहर देखने में आया। बाहर बाइक से एकाएक गिरे घायल व्यक्ति को यशलोक अस्पताल तक पहुंचाया गया लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। एक्सीडेंट अस्पताल के निकट ही हुआ था। फर्श पर बेसुध घायल पड़े व्यक्ति को स्टाफ ने देख लिया था लेकिन किसी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। राहगीर की सूचना पर मीडिया पहुंची तो पुलिस भी पहुंच गई। तब जाकर अस्पताल स्टाफ ने उसे स्ट्रेचर पर किसी तरह से डाला और प्राथमिक उपचार दिया। संभवतः भर्ती इसलिए नहीं किया गया कि कौन जहमत उठाएगा और कौन ही उपचार का पेमेंट, लिहाजा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। जो लोग घायल को अस्पताल की चौखट तक ले जाकर पहुंचे थे उन्होंने यह जानकारी दी। हाँ, वहाँ से गिरा एकदम और इसका पिछला बोल्ट निकल गया था ब्रेक का, और वहाँ से मैं भग के आया। जब उठा के हम दो लोग जब वहाँ तक अंदर तक ले गए, बस कोई एक्सीडेंट नहीं, वैसा कोई एक्सीडेंट नहीं है। उपचार क्या किया गया, बड़ी मुश्किल से तो ये कॉटन लाए वहाँ से। अरे कम से कम ट्रीटमेंट तो दो इसे, लेकिन देने के लिए राजी नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से दिया इन्होंने, पुलिस आ गई। जब जाके इन्होंने कुछ जब जाके इन्होंने वो करा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई पता नहीं, अभी वो होश ही में नहीं है, उसे पता क्या चले। सर बताइए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।